कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? मैं हूँ तुम्हारा मदन। क्या काम है? फूड लाया हूँ। अंदर आ जाओ। ए डार्लिंग, कहाँ हो? यहाँ पर। कहाँ हो तुम? यहाँ पर। खटिए के नीचे छुपी हो? रुको, मैं पकड़ता हूँ। कहाँ हो? नीचे नहीं, ऊपर देखो। ये खाना मेरे लिए लाए हो ना? पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा। मेरी बात नहीं मानी ना उसने। अब तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। कोई भी एक कहानी सुनाओ। मुझे कहानी नहीं आती। तो फिर गाना गाओ। मैं गाना गाऊं? कौन सा गाना? ठीक है। सो जा राजकुमारी, सो जा, सो जा राजकुमारी, सो जा। पता नहीं किस हालत में होगा वो, देख कर आता हूँ। ये तो गया काम से, निकल लेता हूँ मैं तो। अब मैं क्या करूँ? आंटी, आंटी, मैं हूँ मदन। आंटी देखिए, मैं हूँ मदन। शांत हो जाइए। तुम आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सिर्फ इतना ही कहा उससे कि एक इतनी बड़ी हीरोइन होकर सबके सामने डांस करना अच्छा लगता है क्या, इसलिए उसने मुझे बहुत मारा। अब तुम ही बताओ, एक माँ होने के नाते ये बोलने का हक नहीं है मुझे? बिल्कुल है आंटी। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? सोचा था खाना लाकर सरप्राइज दूंगा, मगर उसने मुझे शौक दे दिया आंटी। मेरी बेटी को कुछ तो हुआ है। हाँ हुआ है आंटी, चुड़ैल ने पकड़ा है। आज के लिए यही जगह सेफ है, जो भी करना है सुबह करेंगे। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। जॉब करने के लिए कह रही हूँ तो वो भी नहीं कर रहा। अरे माँ प्लीज ये टॉपिक छोड़ो ना। अरे कैसे छोड़ दूँ, तेरे सारे फ्रेंड सेटल हो गए हैं, तुझे और उस हकले को छोड़कर। उसे बीच में क्यों ला रही हो? जरूर लाऊंगी, उसी की वजह से तू ऐसा हो गया है। वो लड़का एक्टर बनने के लिए पागलों की तरह सपने देखता रहता है और तू भी उसके सपने को साकार करने के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। इस तरह तू कभी आगे नहीं बढ़ेगा। अरे माँ प्लीज चुप हो जाओ ना। डैडी
माँ को कुछ बोलिए ना। माधवी, जॉब करने के लिए क्यों जबरदस्ती कर रही हो? ये तो कुछ बिजनेस प्लान कर रहा है ना, थोड़ा सब्र रखो। हाँ, आपके इस रवैये की वजह से ही ऐसा हो गया है। अब खेलना बंद कीजिए, टाइम हो गया है, चलिए। वहाँ पर मैंने सारे अरेंजमेंट कर दिए हैं। ओके ओके, सब पता है मुझे। हीरो साहब यहाँ कब आए? हीरोइन जब मेरा नाम दे रही थी तभी आया। तुम दोनों के लाइफ में सेटल होने तक ये हीरोइन ऐसे ही बड़बड़ाती रहेगी। ध्यान से सुनो, हम लोगों के यूएस से लौट आने तक लाइफ में कुछ डिसीजन लो और प्लीज सेटल हो जाओ, नहीं तो मैं जो कहूंगी वही करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ ठीक है माँ। डैड अब चलिए वरना लेट हो जाएंगे। ओके बेटा, बाय डैड। तेरा ऑडिशन कैसा था, कुछ बात बनी या नहीं? और कितने साल ऐसे चलेगा? नहीं पता रे, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता, तो मैं क्या करूं? ठीक है यार, ऐसा होता रहता है, एक दिन तू बड़ा एक्टर बनेगा मुझे विश्वास है। कम ऑन चीयर अप, अब मुंह मत लटका। लेटर किसका है? थोड़ी देर पहले पोस्टमैन लेकर आया था। पोस्टमैन? हाँ, हे, जरा इसे पकड़। क्या लिखा है इसमें? हेलो माँ। हेलो। हमारे फार्म हाउस पे जिसने कब्जा किया था उसने केस विड्रॉ कर लिया और फार्म हाउस को भी खाली कर दिया। अभी पोस्ट से कोर्ट का लेटर आया माँ। ये बात है? इसका मतलब वो फार्म हाउस फिर से हमारा होगा? अचानक कैसे हो गया? पता नहीं जी, एक बार अपने लॉयर से कंफर्म करने के लिए कहो। बेटा एक बार अपने लॉयर के पास जाकर कंफर्म कर ले। हाँ ठीक है माँ। और हाँ, तू और शिवा हमारे लौटने तक फार्म हाउस में ही रहना। ओके डन, हम वहीं रहेंगे। बाय माँ। ओके बेटा, ख्याल रखना। वाह, फार्म हाउस तो पूरा बदल गया है। देख क्या रहा है, अब से ये पूरा फार्म हाउस अपना। चल अंदर। उसे मत छुओ, अच्छा नहीं होगा। और तुम कौन हो? मैं सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, इस जगह की मैं देखरेख करता हूँ। ओह, वॉचमैन हो क्या? चलो मुझे फार्म हाउस दिखाओ। चलिए। ये जगह बहुत बढ़िया है यार, है ना? तुम्हें जॉब की जरूरत ही क्या, इसे रेंट पे दे के आराम से रहो। इतना बड़ा फार्म हाउस रेंट पे आखिर कौन लेगा यार? कोई पैसे वाला इसे ले लेगा यार। आइडिया। कैसा आइडिया? इस जगह को फिल्म शूटिंग वालों को रेंट पे दे दो। फिल्म शूटिंग वालों को? वो इस जगह को लेंगे क्या? कंफर्म ले लेंगे, रेंट भी ज्यादा मिलेगा। ऐसा है तो ठीक है, मस्त आइडिया है। बाप रे। ए मदन। हाँ बोलना। मैं हीरो बनूं ऐसा तू चाहता है ना? तुझे अब तक इस बात पे डाउट था क्या? तेरे हीरो बनने की मुझसे ज्यादा किसी और को खुशी होगी क्या? फिर मेरा हीरो बनना सिर्फ तेरे ही हाथ में है। कुछ समझा नहीं? मैं समझाता हूँ। मुझे हीरो लेकर अगर कोई फिल्म बनाता है तो ये लोकेशन उसे फ्री में दे देंगे, तो कोई भी फिल्म प्रोड्यूसर मना थोड़ी ना करेगा। आइडिया कैसा है यार? आइडिया तो बढ़िया है, तू हीरो जरूर बनेगा, तुझे कोई नहीं रोक सकता। थैंक्स यार।
अब किस्मत करना प्लीज। नहीं। क्या कहा? क्यों ना दे? जिसे चाहे उसे दो, लेकिन सिनेमा वालों को नहीं। किसे देना है किसे नहीं ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें बहुत सारा काम है, हमारे आने तक फार्म हाउस का ख्याल रखना। ठीक है, चल रहे। कैसा लगा? लोकेशन तो बहुत अच्छी है, रेंट कितना है? एक्चुअली मेरे फ्रेंड को अगर आप हीरो लेंगे तो ये लोकेशन मैं आपको फ्री में दे दूंगा। तुम्हें शायद सिनेमा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, हीरो हीरोइन फिक्स होने के बाद ही लोकेशन देखी जाती है। ऐसा रेंट कितना है बताओ? सॉरी, लोकेशन नहीं दे पाएंगे। चलो यहां से। ये हीरो बनेगा। रुक जा, शांत हो जा, तू बैठ जा। अब तो हमें 40 दिन यही शूटिंग करनी है। आप चाहे जितने दिन शूटिंग कर लीजिए, लेकिन हीरो मेरे दोस्त को बनाइए। देखो, मैं तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं चाहता, ठीक है? चलो डायलॉग बोल के दिखाओ। वो क्या है ना, 9 के 9 रस है इसमें, देख लीजिए। रस सांभर नहीं भाई, बोलो डायलॉग बोल कर सुनाए। दरअसल कौन सा डायलॉग बोले वो सोच रहे। इसके लिए इतना सोचने की क्या जरूरत है, अभी पवन कल्याण की जो फिल्म आई थी ना, कौन सा डायलॉग था वो? देखो सिद्धप्पा। हाँ, सिद्धप्पा वाला जो डायलॉग है ना, इसे कहने के लिए बोलो। देखो सिद्धप्पा, शेर कभी दाढ़ी नहीं बनाता है, और मैं बनाता हूँ, इतना ही फर्क है, बाकी सब सेम टू सेम। भगवान इसकी एक्टिंग से बचाओ। सर, लोकेशन तो बहुत ही मस्त है सर। देखो डायरेक्टर, लोकेशन अच्छा हो या बुरा, पैसे तो मुझे ही भरने हैं ना। मैं कुछ समझा नहीं सर। अब कैसे समझाऊं, मेरी भाषा समझ में नहीं आती क्या? चलो अंदर चलते हैं। अरे वो वहाँ कोई खेल रहा है, पूछते हैं। क्यों भाई, कैरम खेल रहे हो क्या? इस बंगले का मालिक कौन है, जरा बुलाओ, बात करनी है। मैं ही हूँ। ओहो, मेरे डायरेक्टर को लोकेशन बहुत पसंद आया है शूटिंग के लिए। पर डे का रेंट क्या होगा? आपकी फिल्म में हीरो है क्या? क्या बोले, बिना किसी हीरो के भी कभी कोई फिल्म बन सकती है क्या? आखिर हीरो कौन है? हाँ हीरो है ना भाई, मेरे साले का लड़का है वो। पर मैं जो तुमसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब क्यों नहीं देते हो? 50,000 पर डे। क्या कहा? 50,000 रुपए रोज के? कंसेशन नहीं दोगे क्या? ये जो सामने बैठा है उसे हीरो बना दो, कंसेशन की बात छोड़ो, फ्री में दे दूंगा। सीरियस या मजाक कर रहे हो? मेरे चेहरे पे आपको स्माइल दिख रहा है क्या? दिख तो नहीं रहा, यानी कि सीरियस है। लड़का तो मस्त है, चिकना भी है, जवान भी दिख रहा है। मुझे मंजूर है। फिर आपके पुराने हीरो का क्या होगा? अरे उसे जाने दो, वो किसी काम का लायक नहीं है। अगर ये हीरो बनेगा तो अपना लोकेशन फ्री होगा, इस प्रोड्यूसर ने ये टैलेंट खोजा है। क्या हुआ सर, कुछ चेंज कर रहे हो क्या? ये क्या ऊंचा सुनते हैं? मैं समझाता हूँ ना, कोई ज्यादा चेंज नहीं है डायरेक्टर साहब, अब हमारी पिक्चर का यही हीरो है। ये हीरो बनेगा? पहले एक ऑडिशन ले लेते। ऑडिशन मतलब इसे डायलॉग बोलने पड़ेंगे क्या? ऑडिशन की कोई जरूरत नहीं है, ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है, वो सब मैं देख लूंगा। ये क्या बोल रहे हो सर? लगता है इसको कुछ समझ में आ रहा है। कुछ नहीं डायरेक्टर साहब, ये लड़का बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, ऑडिशन की जरूरत ही नहीं है। देखो कल से शूटिंग स्टार्ट, एकदम रेडी रहना। तुम भी रेडी रहना हीरो। चलता हूँ, चलो डायरेक्टर निकलते हैं। वाह वाह, कंग्रेचुलेशंस यार। थैंक्स यार। मतलब अब मैं अपने यार को बड़े पर्दे पर देख पाऊंगा। Oh
उस तरफ। हाँ चलो जल्दी जल्दी उतारो उतारो उतारो। नहीं ले आइए चलो। हाँ सब लोग आ गए ना बाबू, यही है हमारी टीम। सिर्फ इतने ही हैं? या और भी लोग बाद में आने वाले? और कोई नहीं, हम लोग ही हैं। फैंटास्टिक फाइव। पांच लोगों से फिल्म बनेगी? नहीं जानते क्या, आजकल यही ट्रेंड है भाई। ओके यही है हमारी टीम। ये है मिस्टर कनमनी, इंडस्ट्री के बहुत बड़े कैमरामैन। अपनी फिल्म में डायरेक्शन के लिए पहला मौका मैं ही दे रहा हूँ इन्हें। अजीब है ये, असिस्टेंट कैमरामैन और मेन कैमरामैन का फर्क नहीं पता इसे, और कहता है कि मुझे डायरेक्शन का चांस दे रहा है। परफेक्ट बिजनेसमैन है ये। हाय। और मेरे बगल में जो है पागल है, इंजीनियरिंग करने के बाद यूके जाकर के फिल्म मेकिंग का कोर्स किया इसने। बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, अपनी फिल्म में को डायरेक्टर का काम कर रही है। मैं और यूके रिटर्न कभी शहर के बाहर भी नहीं गई हूँ। घर वाले जबरदस्ती शादी करवा रहे, इसलिए वहाँ से जंप मार के यहाँ पे लैंड हुई हूँ। फिल्म मेकिंग के बारे में जानने के लिए यूके जाना जरूरी है क्या? इस बेवकूफ को क्या पता, इंटरनेट नहीं है क्या? हाय। अब मिलिए, ये है सुरभि सुकुमार। कई सारी फिल्मों में इन्होंने सभी डिपार्टमेंट्स में काम किया है। निर्माता को गलतफहमी हो गई है, 25 सालों से मैं नाटक कंपनी चला रहा हूँ, वो ठप हो गया इसलिए यहाँ पर आया हूँ। ये बात मैंने निर्माता को नहीं बताई है। Finally, he is Mr. DJ, fan of MJ, Michael Jackson को अपने अंदर समा चुका है। खाना बनाने से लेकर डांस करने तक सभी चीजों में एक्सपर्ट मास्टर। He is right. अब अपने बारे में बताओ तो मैं एक बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट हूँ। बहुत सारी कंपनियां हैं, वो सब मेरी वाइफ के नाम पर हैं। मैं फिल्मों का दीवाना हूँ। मुझे लगता है एक सुपर डुपर हिट फिल्म बनाकर इन जैसे कई सारे लोगों की लाइफ बनाऊं, यही मेरा लाइफ टाइम ड्रीम है। लेकिन मेरी वाइफ इजाजत नहीं देती, इसलिए जितना भी पैसा है उस पैसे में एक लो बजट फिल्म बनाने का प्लान किया है। बिजनेस मैग्नेट कहाँ का, गांव के पैसों से जुआ खेल के उस पैसे को भी डुबा चुका हूँ। तो अब किसी तरह से एक बड़ा कर्ज लेकर एक फिल्म बनाकर जैकपॉट लगवाने का प्लान बनाया है। मेरे इस प्लान की इनको कोई जानकारी नहीं, इसीलिए ये फ्री में काम कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज अवर फैंटास्टिक फाइव। तो आज से आप लोग भी हमारे टीम मेंबर हो गए हैं। टीम मेंबर्स, ही इज मिस्टर शिवा, अपने फिल्म के हीरो। नमस्ते। हाय। हेलो। He is Mr. मदन, इस लोकेशन के ओनर। नमस्ते। तो अब हम लोग अंदर जाकर अपना रूम सेलेक्ट करके अपना लगेज उसमें रख देंगे। चलिए चलिए डायरेक्टर साहब। ए, इन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा यार। प्लीज यार। क्या बात है, कोई डाउट्स? वो जान सकता हूँ आप किस तरह की फिल्म बना रहे हैं? या श्योर, हम लोग बनाने वाले हैं एक भयंकर हॉरर मूवी। थिएटर में आने वाले सभी ऑडियंस डर के मारे बेहोश हो जाने चाहिए, यही हमारा टारगेट है। वाओ, आखिर आपकी हॉरर फिल्म का टाइटल क्या होगा? दिशा भूली हुई चुड़ैल। दिशा भूली हुई चुड़ैल? अच्छा, खटिया पे सोई चुड़ैल, दुपट्टा ओढ़ के आई चुड़ैल, ऐसे टाइटल नहीं है? वाओ, फिल्म वाले ना होकर के भी तुम्हारे में बहुत क्रिएटिविटी है। व्हाट अ वंडर। ये टाइटल्स मैं आने वाली फिल्मों में रखूंगा। बाय। सुन, मुझे इन लोगों पर 1% भी भरोसा नहीं है यार। हम इन्हें मना करके किसी और को ढूंढते हैं ना। मदन प्लीज यार, कुछ ही दिनों की बात है, प्लीज यार। ए, टाइम हो गया, अभी तक वो आए नहीं। वो देखो, वो लोग यहाँ आ चुके हैं। ये क्या, ये तो अकेले ही चले आ रहे हैं। शायद आप नहीं जानते, ये अकेले ही 100 पत्रकार पर भारी हैं। आइए आइए। वाह, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। लोकेशन तो बहुत ही अच्छी है। रेंट कितना दे रहे हो? यू मीन 50,000? नॉट बैड, वेरी रीजनेबल। आखिर कौन सी मूवी बना रहे हो? हॉरर मूवी। हॉरर मूवी, और उसमें जो चुड़ैल, वो यही है क्या? मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, इस फिल्म की को डायरेक्टर हूँ। ओह,
तो फिर चुड़ैल कहाँ है? चुड़ैल है ना, दिखाई नहीं देगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे फिल्म का बजट कितना है? 5। यू मीन 5 crores? बिग बजट। लेकिन नए लड़के पे इतना इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा क्या? सिर्फ नाम नया है लेकिन लड़का बहुत टैलेंटेड है। कोई भी डायलॉग दे दीजिए, टका टक टका टक टका टक बोल देता है बेचारा। कहिए तो बोलने के लिए बोलूं। इंटरेस्टिंग, वेरी, वन मिनट। हेलो, वाओ, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। या आई एम कमिंग। ओके, वो क्या है ना, शहर में कमल हसन आए हुए हैं तो मुझे उनका इंटरव्यू लेने के लिए कहा गया, तो मैं चलता हूँ। फिर हमारा इंटरव्यू? इसके लिए भी बहुत टाइम है। फिलहाल आप फिल्म की डिटेल्स मुझे मेल कर देना, मैं देख लूंगा। ओके, तो फिर कल सारे न्यूज़पेपर्स में, सारे न्यूज़ चैनल्स में हमारी मूवी के बारे में आएगा ना? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसका जवाब आपको कल के अखबार में मिल जाएगा। ठीक है, चलता हूँ मैं। डर गया क्या? तेरी तो क्या है भाई, आखिर है क्या? इतने सारे पेपर्स में से एक भी पेपर में हमारी सिनेमा का न्यूज नहीं है। उस रिपोर्टर ने आखिर किया क्या है? तुम्हारी सारी बातें झूठी हैं। दोबारा हमें बुलाया तो अच्छा नहीं होगा, ऐसी धमकी दी है उन्होंने। अब इसे रहने दो और जाकर शूटिंग देखो, जाओ। शिवा, रेडी हो ना? ओके, चलो डायलॉग बोलो। क्या हुआ, डायलॉग बोलो ना। वो वो क्या प्रॉब्लम है? वो मुझे, हाँ तुम्हें, मुझे क्या है? मुझे वेट। हाँ देखो, ये सिंगल कैरेक्टर है, सो फर्स्ट वी विल डू द इंडिविजुअल पार्ट। ओके, वाले सीन बाद में शूट करेंगे। ओके ओके, फिलहाल बिना डायलॉग के सीन करने के लिए बोल रहे हैं, सो अभी रिलैक्स हो जाओ। इस सीन में तुम यहाँ पे खड़े रह के कॉलिंग बेल बजाने की सोचते हो, लेकिन तुम्हारे बेल बजाने से पहले ही बेल बज जाती है और तुम ये देखकर शॉक हो जाते हो। ओके, ओके, एक्शन। वाओ, कट। क्या सुपर एक्सप्रेशन दिया, वेरी गुड। हे, मस्त किया तुमने। अब ये जो सीन है उसमें तुम अभी सोकर उठे हो। जैसे तुम खड़े होते हो, सडनली चुड़ैल तुम्हारे पाँव खींच लेती है। उसी बात पर तुम्हें रिएक्ट करना है। ओके, वो क्या हुआ, कुछ बोलना है? ओके, रेडी। शिवा, रेडी हो ना तुम? हाँ रेडी। सो जाओ। एक्शन। कट। क्या सुपर एक्सप्रेशन है, वेरी गुड, सिंगल टेक आर्टिस्ट। मैं क्या हुआ, तू हकला है, ये उन लोगों को पता चल गया? ए, इस घर में चुड़ैल है यार। ए, क्या बकवास कर रहा है? सच में यार, थोड़ी देर पहले जब मैं सीन कर रहा था तो उसने मेरे पैर पकड़ के खींचे थे। देख, मेरा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं, चल।
इस प्यारे गाने के बाद अब हम मिलते हैं चुड़ैलों के साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर सुब्रमण्यम से। डॉक्टर साहब बताइए, बहुत से लोग कहते हैं कि चुड़ैल होती हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात बिल्कुल सच है, चुड़ैल होती है। तेरे बोलने से चुड़ैल की बात सच हो जाएगी? ये सच है, तुम्हें इस पे भरोसा करना चाहिए। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये भी सच है। साइंस में इन दिनों आफ्टर लाइफ मतलब मरी हुई आत्माओं पर परिशोधन कर रही है, इसमें चुड़ैले हैं ऐसा पता चलता है। सुनते रहेंगे तो बकवास करता रहेगा, मैं चेंज करता हूँ। लोग बिना शोध के मेरी बातों को टालने की कोशिश करके चैनल चेंज करेंगे, उन्हीं लोगों को चुड़ैलों से सबसे ज्यादा डर लगता है। ये क्या है यार, ये तो मेरी बोली हुई बात सुन के जवाब दे रहे हैं। बाप रे, यहाँ पर रहूंगा तो पागल हो जाऊंगा, मैं तो चला भाई। आप में से किसी को भी कहीं कोई चुड़ैल नजर आए या आपको लगे कि वो आपके घर में मौजूद है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द पहुँचने की कोशिश करूंगा। मेरा नंबर है 9930800181। वाकई में चुड़ैल होती है या ये सिर्फ मेरा भ्रम है? चेक करके देखते हैं। चुड़ैल जी, अगर आप सच में हैं तो मुझे बेड पे गिरा दीजिए। हाँ, कम ऑन, अटैक। क्या हुआ, आप डर गए क्या? मुझे देखकर आप घबरा गए क्या? आइए और मुझे नीचे गिरा दीजिए। कम ऑन, अटैक। इसका मतलब ये मेरा भ्रम ही है। हाँ? मुझे लगता है एक्शन बोलने पर आती होगी। ट्राई करता हूं। चुड़ैल जी, जब मैं एक्शन बोलूं तो आप मेरे इन बालों को हवा में उड़ाइएगा। रेडी, एक्शन। कहाँ थे तुम इतनी देर से? शॉट रेडी है, चलो। वो क्या है? वो और बाल ऐसे उलझे क्यों हैं? वो जी, वहाँ पे सब रेडी हुआ कि नहीं? टाइम निकला जा रहा है। हाँ हाँ, रेडी है सर, चलो। वो सुकमा जी, इसके बाल सेट करो। यहाँ पर आओ भाई। इस वाले सीन में तुम वहाँ सामने खड़े रहोगे, चुड़ैल तुम्हारे ही हाथों से तुम्हारा गला घोटने की कोशिश करती है, ठीक है? और तुम अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसी एक्टिंग करनी है। नो, व्हाट? मैं नहीं करूँगा। ए, क्यों नहीं करोगे? यहाँ पे चुड़ैल है। क्या कहा, क्या बोल रहे हो तुम? सर, यहाँ पे सच्ची में चुड़ैल है सर। एक्शन कहते ही सच में आ जाती है वो। अभी थोड़ी देर पहले उसने मेरे पांव पकड़े थे और बाहर बेल भी दबाया था। सर, सच बोल रहा हूँ सर, मेरा भरोसा कीजिए, सच कह रहा हूँ सर, प्लीज। ये तुम अचानक हकलाने क्यों लग गए? ए, तुम अभी हकला रहे हो या जन्म से ही ऐसे हो? नहीं हूँ। झूठ कह रहा है सर, ये हकला ही है। सर, ऐसा नहीं है सर। हमारी फिल्म का हीरो हकलाता है? सत्यानाश, ये फिल्म तो बनने से रही। क्या हुआ, तुम लोग ये शूटिंग का काम छोड़ के ये क्या कर रहे हो? डायरेक्टर, एनी प्रॉब्लम? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। हुआ क्या? सर, हीरो हकला है सर। क्या, हीरो हकला है? मेरी बात सुनते लीजिए सर। तू क्या सुनाएगा मुझे, साफ साफ दिख रहा है हकला है। किधर है तेरा फ्रेंड, किधर है? किधर है लोकेशन का ओनर, किधर है? सर, यहाँ है। हाँ, चलो उससे मिलते हैं। क्यों फंसाया, क्यों फंसाया? हीरो हकला है, ये बात हमसे क्यों छुपाई तुमने? मैंने कौन सी बात छुपाई? हीरो हकला है या हीरो को एक्टिंग नहीं आती, ये देखना आप लोगों का काम है। तब लोकेशन फ्री मिल रहा था तो खुश हो गए, तो अब क्यों चिल्ला रहे हो? सोचे तो इसके बाद करेक्ट है सर। क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट है, कुछ समझ में आता है तुमको? कुछ भी हो, तुम्हें नुकसान की भरपाई करनी होगी। कैसा नुकसान? हा? एक तो यहाँ पे तुझे हर चीज फ्री मिल रही है, उस पे नुकसान की बात करता है तेरी तो। Hey, give respect and take respect, जानता है ना? Cool सर, जो पिछला हीरो था ना उसी को वापस ले लेते। ठीक है, जो हुआ सो हो गया।
हम पहले वाले हीरो को लाकर शूटिंग करेंगे। पहले वाले हीरो को लाओगे तो दूसरा लोकेशन भी ढूंढ लेना। ये कैसी बातें कर रहे हो, सब तुम्हारी मर्जी से चलेगा। और नहीं तो क्या, मेरा लोकेशन मेरी मर्जी, पसंद नहीं है तो हैप्पीली जा सकते हो। बाय। पावनी, मुझ पे विश्वास करो। कैसे करें? तुम हकले हो, ये बात पहले क्यों नहीं बताया? हाँ। अब देखो तुम्हारी वजह से फिल्म रुक गई है। प्लीज ऐसा मत कहो, वो उस दिन तुम्हें सच बताने के लिए आया था, लेकिन तुम बहुत सीरियस मूड में थी, इसलिए नहीं बोल पाया। मुझे एक्टिंग करना बहुत पसंद है, कैसा भी एक्सप्रेशन हो दे सकता हूँ, डांस फाइट्स भी आते हैं मुझे। तुम ही कुछ करके मैनेज करो ना प्लीज। ठीक है, ट्राई करती हूँ। सर, सर, नया हीरो सेलेक्ट करते हैं और नई लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। सब कुछ नया रहेगा तो हमारी फिल्म का लुक अच्छा रहेगा। सब कुछ नया चाहिए, पैसा तुम्हारा जा रहा है क्या? पैसा मेरा जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हम उसे ही हीरो लेकर कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या बोल रही हो तुम, वो हकलाने वाला हीरो? नहीं नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं करने वाला। चुप रहो यार, तुम बोलो मैडम। हाँ सर, हमारे फिल्म का हीरो हकला ही रहेगा तो अच्छा है। कैसे? सर, आज तक मैंने जो भी हॉरर मूवीज देखी हैं, उसमें हीरो का हकलाना लोगों में डर और खौफ बढ़ाने में बहुत काम आता है। जितना ये हकलाएगा ऑडियंस उतनी ही डरेगी और हमारी फिल्म हिट हो जाएगी। ये तो हमारी किस्मत है कि हमारा हीरो ऑलरेडी हकलाता है, मान जाइए। तुमने जो बात बताई वो तो मुझे करेक्ट लग रही है। तुम क्या बोलते हो डायरेक्टर जी? लॉजिक तो ठीक ही है, पर मुझे उस आर्टिस्ट पर थोड़ा डाउट है। डाउट वाउट की कोई बात नहीं है, तुमने जो बताया वो करेक्ट है मैडम। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, शिवा ही अपना हीरो। कैमरा, लाइट्स, एक्शन, शूटिंग कंटिन्यू करो यार, जल्दी। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, तुम ही हीरो रहोगे। थैंक्स। कैसे? मैंने कहा इस फिल्म में हीरो का हक लाना अच्छा रहेगा और वो कन्विंस हो गए। मुझे नहीं चलेगा। व्हाट? मैं हीरो हूँ, मुझे पहली फिल्म में हकला बना के इंट्रोड्यूस करोगे? ऐसे नहीं चलेगा। तुम पागल हो क्या? तुम सच में हकले हो ना? हाँ हूँ। तो फिर बिना हकलाते हुए कैसे बात करोगे? मैं नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ लिप्स मूवमेंट दूंगा। मेरी डबिंग किसी और से करवा लो ना। तुम तो मेरा काम बढ़ा रहे हो। रुको, मैं अभी उन्हें दूसरा हीरो फिक्स करने के लिए कहती हूँ। ऐसे ही जो कर रहा हूँ, आप लोग जैसे कम्फर्टेबल हो वैसे ही एक्टिंग करूंगा। नाइस जोक। ये डायलॉग्स प्रिपेयर करके आओ। हाँ इधर ही हूँ। ये जगह पूरी देख ली है, बहुत अच्छी है। अगली बार तुम्हें भी साथ में लेकर आऊंगा, तुम्हें पसंद आया तो उसी समय खरीद लेंगे। कट, एक्सीलेंट, कीप इट अप, बैक अप। ब्रो, दीवार पे एमजे की तस्वीर देख रहे हो? मैं अपने गुरु के स्टाइल में एक डांस करूंगा और जब घूमकर वापस देखूंगा तो फोटो गायब होनी चाहिए, तो मान लूंगा कि यहाँ पे चुड़ैल है। ओके ओके। क्या ब्रो, तुमने कहा था चुड़ैल है लेकिन फोटो तो वहीं पर है। चुड़ैल ऐसे नहीं आते, एक्शन कहना पड़ेगा। क्या जोक कर रहे हो ब्रो? मतलब एक्शन कहेंगे तो आएगी और कट कहने से चली जाएगी। ओके ब्रो, अभी मैं एक्शन बोलता हूं और तुम घूम जाओ। ओके एक्शन। आई क्या? ए, क्या चल रहा है? फोटो गायब हो गया। हवा से गिर गया होगा, इतना हंगामा क्यों मचा रहे हो? हवा से गिर गया? हवा से ही। अब तुम्हारे गेम्स खत्म हुए हो तो डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, जल्दी चलो। ओके। क्या हुआ, डर लग रहा है? नहीं। तो सबको क्यों डरा रहे हो? वैसे ही। बाय द वे, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो,
तुम्हें कुछ बात है? ऐसी बात है तो मुझे हीरो लेकर एक स्क्रिप्ट लिखो ना, और अगली फिल्म के लिए मेरी डेट्स ले लो। हेलो, मेरी मूवी में हकलाने वाला हीरो नहीं चलेगा। कितना भी लंबा डायलॉग हो, सिंगल टेक में जो बोलेगा वही मेरा हीरो होगा। हाँ, मैं भी बोल सकता हूँ। तुम? हाँ। ठीक है, एक धार्मिक मूवी में जूनियर एंटिया ने एक लेंदी डायलॉग बोला है, वो याद है? वो डायलॉग बिना हकलाते हुए सिंगल टेक में मुझे बोल के दिखाओ, तो मैं तुम्हें हीरो मानकर तुम्हारे लिए एक अच्छी सी स्टोरी लिखूंगी। ओके, ऑल द बेस्ट। इसकी तुम अरे ओ मदन, इधर तो आना जरा। कम ऑन यार, व्हाई सो सीरियस? क्या है? प्लीज सिट डाउन यार। बात क्या है बोलो। बैठोगे तो बताऊंगा। अरे अरे रिलैक्स यार, अभी मैंने कहा ही क्या है, बैठने को बोल रहा हूँ, खड़े रहोगे तुम्हारे पैर दर्द करेंगे। बोलो। कुछ नहीं यार, सुबह से दिखाई नहीं दिए, यही पूछना था तुमसे। मैं कहीं पर भी रहूं, तुम्हें उससे क्या? क्या यार, तुम भी, तुम्हारा फ्रेंड इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है, तुम होते तो कितना अच्छा होता। वो कैसी एक्टिंग करता है मैं जानता हूँ, पॉइंट क्या है वो बताओ। तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है। क्या किया पता है? पता है। पता है? तुम जैसे लोगों को ये लोकेशन शूटिंग करने के लिए दी। हंसना बंद करो। क्या गलती की है बताओगे? कुछ नहीं, इतना बड़ा बंगला है लेकिन एक छोटा सा टीवी नहीं। देखो, बिना एंटरटेनमेंट के हम सब कितना बोर हो रहे हैं, तो इसीलिए हम सब के लिए कल सुबह तक एक लेटेस्ट LED टीवी अरेंज करो, ठीक है ना? अरे शो हो गया क्या? क्यों यार, सुबह से कहाँ गया था? इनका बस बहुत हुआ यार। क्या हुआ यार? तेरी वजह से अब तक चुप था, अब और मुझसे सहन नहीं होता। हे, ये क्या हुआ तुझे? मैं उन लोगों को यहाँ से वापस भेज रहा हूँ। ए मदन, एक मिनट जरा रुकेगा, बात क्या है बताएगा? बात क्या है बताना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं उन लोगों को यहाँ से भेज रहा हूँ, तुझे ये बताना था। चल हट। ए मदन, ऐसा मत कर यार। अरे हट यार। ठीक है, एक काम कर, भेज दे, लेकिन कल सुबह तक का तो सबर कर यार। क्या रे, तुझे लगता है सुबह तक मेरा फैसला चेंज हो जाएगा? चेंज नहीं होगा, मैं ये जानता हूँ, लेकिन रात में उन्हें भेजना सही नहीं है यार। तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा? मानव जाति न, 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 अरे तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा? मानव जाति तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा? अपने कपड़े क्यों पैक कर रहा है? वो लोग जाएंगे तो तू भी चला जाएगा? नहीं यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ दिनों के लिए घर जाके आता हूँ। मैं सब जानता हूँ, दरअसल तू मुझसे नाराज है। देखना, बाद में तुझे मैं ही सही लगूंगा। तू जब तक लौट कर आएगा तब तक मैं एक अच्छा प्रोड्यूसर ढूंढ लूंगा, आई प्रॉमिस। तू रुक जा, मैं उन लोगों को भगा कर आता हूं। उसी रास्ते से सीधा आगे आते जाओ, आगे आने के बाद लेफ्ट साइड में एक गली नजर आएगी, उस गली से सीधा आगे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड में एक बड़ा सा गेट दिखेगा, उसके ऊपर चित्रधारा स्टेट लिखा हुआ होगा, उस गेट के अंदर आ जाओ। हाँ, दिखा क्या? एक्सक्यूज मी, क्या हुआ यार? मुझे आपसे एक मिनट बात करनी है। फोन पे बात कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? हाँ आ गए क्या? हाँ गेट के अंदर आ जाओ। हाँ देख लिया तुम्हें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
राइटर है क्या? तू कहां से आ गया? वो राइट साइड वाला रूम आपके लिए अरेंज किया है, वहां जाके फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश अप हो जाएंगे, वो सब छोड़ो, हम आने वाले हैं, पता था ना, कार रेडी नहीं रख सकते थे। मम्मा, अब हम पहुंच गए हैं ना, छोड़ो ना। तू कुछ मत बोल, चल चुपचाप। तूने उन लोगों को बोल दिया क्या? क्या बोलना था? वही, उन लोगों को जाने के लिए। किसे जाना था? ए मदन, क्या हुआ तुझे? वो दरअसल मैंने तेरे बारे में बहुत सोचा, तुझे नाराज करना मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए शूटिंग खत्म होने तक उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ए, क्या यार, ये तू अचानक बदल कैसे गया? अरे बताया ना मैंने तुझे, तेरे बारे में बहुत सोचा। चल अभी तू बैग में से कपड़े निकाल और शूटिंग के लिए तैयार हो जा, चल चल जल्दी कर। रूम में ओके। बाप रे। हाय, आई एम मदन। एक्चुअली मैं तुम्हें ये जो लोकेशन है ये मेरी है। एक्चुअली मुझे कहना है आई लव यू, आपसे प्यार करता हूँ। वो आ रही है क्या? आइए। इसकी तो मैं। गाइस, हीरोइन आ गई, लेट्स मीट। नमस्ते सर। सब लोग आ गए, यही हमारी टीम है। हाय। नमस्ते। हाय। ये जो है हमारी टीम का नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये मैडम हमारी फिल्म की हीरोइन है, नाम हंसिका है, बगल में इनकी माता जी। हेलो। क्या यार, क्या हुआ? तू मेरा फ्रेंड है कि नहीं है? इस बात पे कोई शक है क्या? हाँ मुझे है, उन लोगों ने मेरी इंसल्ट की और तूने कुछ नहीं कहा। तेरा इंसल्ट किया? कौन है वो? और कौन, वो प्रोड्यूसर, हीरोइन से उसने सबको इंट्रोड्यूस करवाया मुझे छोड़कर। हीरोइन? ओह, ऐसा है, अब समझ में आया कि तू किसके ख्यालों में खोया हुआ था। वो सब छोड़ यार, हीरोइन से मुझे इंट्रोड्यूस करवाएगा कि नहीं बोल। ए, अभी अभी तो आई है यार, करेक्ट टाइम देख के इंट्रोड्यूस करा दूंगा, तो थोड़ा सबर कर भाई। तेरा मतलब क्या है? हाँ, इस फिल्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं चाहूँ तो फिल्म अभी बंद हो जाएगी और तू मुझे इंट्रोड्यूस नहीं करवा रहा। ए, मेरी बात मान यार। मुझे कुछ नहीं सुनना, तू इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा तो क्या, मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। ए, मेरी बात तो सुन यार। ए, ये बात कुछ सही नहीं है, कॉस्ट्यूम्स वाला हम लोग क्यों लेकर आए? आप प्रोड्यूसर है ना, आपको अरेंज करना चाहिए। वो क्या है कि लो बजट फिल्म है, ये बताया था ना आपको मैडम। मैडम से नहीं, मुझसे बात करो आप। आपकी फिल्म लो बजट जैसी नहीं, नो बजट के जैसी दिख रही है। अब हंसना बंद करो, जाकर अपना अपना काम देखो, चलो जाओ। मैडम। हाँ क्या? अब कॉस्ट्यूम्स ही चाहिए ना, वो मैं दिलवा दूंगा ना। ये कौन है? ये इस लोकेशन के ओनर जी हैं। क्या कहा, ये इस लोकेशन का ओनर है? मतलब ये पूरी जगह तुम्हारी है? हाँ माँ जी। अरे वाह 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 वाह, ये मेरी बेटी है। अरे उठ के हाय तो बोल। बोल माँ। हाय, आई एम हंसिका। हाय, आई एम मदन। तो चलें क्या? कहाँ जाना है? कॉस्ट्यूम्स खरीदने, और कहाँ। ओह, जा बेटी जा।
एक मिनट रुको। जब तुम लोग जा ही रहे हो तो हमारे हीरो को भी साथ में लेते जाओ। जाओ भाई, तुम भी साथ में जाओ, जाओ। हाय। यस, यस। तुमने क्या कहा? तुमने क्या कहा? मानव जाति नीच है। मदन, चुड़ैल यार, कैसे आ गए? लगता है नींद में चलकर यहाँ आ गए आप। चलिए मैडम, यहाँ से चलिए। ओए, मुझे रात भर नींद नहीं आई। ऐसा क्या? तूने भी चुड़ैल को देखा क्या? चुड़ैल नहीं यार, मैंने तो देखा अपनी लवर हंसिका को। रात भर सपनों में छेड़ रही थी मुझे वो। अच्छा ठीक है, उठ के रेडी हो जा। ए भाई, आंखें नहीं खोलेगा क्या? खोलने का मन ही नहीं कर रहा है, उसके सिवा किसी को देखने का मन नहीं कर रहा है। वो तो यहीं पे है, तो सपनों में क्यों? डायरेक्ट देख सकता है ना। तो मुझे उसके पास ले चल। तेरी पावनी, हंसिका कहाँ है? स्विमिंग पूल के पास है। ओके। Hey, क्या कर रहे हो? साइड में हो जाओ। Hey, साइड में आना, डिस्टर्ब हो रहा है उन्हें। रोज को मुंह में दबाकर एक सेंसुअस पोज दे देना। पोज पोज। वेरी गुड वेरी गुड। वाह वाह, सुपर, आई लाइक इट। वाह। यहाँ ये सब क्या चल रहा है? फोटोशूट लग रहा है, पोस्टर्स के लिए स्टिल्स चाहिए होते हैं ना। हाँ। उस फैन से क्या करेंगे? बहुत गर्मी हो रही है, इसलिए हम लोग चलते हैं यहाँ से। अरे चलना, छोड़ना यार। हाय मेरी जान, सुपर।
एक्सीलेंट पोज है। ए, ये मेरी हंसिका की ऐसे फोटो निकाल रहा है, इसे नहीं छोड़ूंगा। सिनेमा यार, ये सब तो होना ही है। क्या होना ही है, ये एक हॉरर मूवी है ना, तो भूत की फोटो निकालनी चाहिए। ये जान बूझ के गंदी हरकतें कर रहा है। इसकी रुक जा, मेरी बात सुन, मैं कुछ करके सब ठीक करता हूँ, तो रुक। जो करना है कर, ऐसा वापस नहीं होना चाहिए। सर है? आज के बहुत सारे सीन्स बाकी रह गए हैं, लाइट भी कम हो रही है, को डायरेक्टर ने ऐसा बोला सर। ओके हंसिका, इट्स एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। ओके सर। आई लव यू टू बेबी, लेकिन घर में अकेली बहुत बोर हो रही हूँ, जल्दी आ जाओ ना। हमेशा काम काम काम, तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत है या नहीं? प्लीज जल्दी आ जाओ ना। कट। पावनी। हाँ सर। तुम हीरो को ये सीन एक्सप्लेन कर दो। ओके सर। शिवा यहाँ। हे हे। हाय। गिफ्ट देते हुए हैप्पी वैलेंटाइंस डे कहता है। हीरोइन को गिफ्ट पसंद आता है और वो हीरो को हग करती है, बदले में हीरो हीरोइन को किस करता है। ओके ना? या ओके। किस कहाँ करना है? यहाँ पर। ए, चली तरह। क्या हुआ? तुझे ये सीन करने की जरूरत नहीं है। ए, ये सिनेमा है यार, ये सब तो होना ही है। मेरा फ्रेंड होके मेरी लवर को किस करेगा? ए, वो मैं नहीं करूंगा, कैरेक्टर करेगा। तू ज्यादा होशियारी मत दिखा, वो कैरेक्टर किस करे या तू किस करे, बात तो एक ही है ना, तू ये सीन नहीं करेगा बस। शिवा। शॉट रेडी है, तुम लोग क्या डिस्कस कर रहे हो? शिवा ये सीन नहीं करेगा। और ऐसा क्यों? वो क्या है ना, ये सीन चेंज हो सकता है क्या? मदन को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा कुछ चेंज नहीं हो सकता, इतना ही प्रॉब्लम है तो सीन खत्म होने के बाद रूम में जाओ, शॉट रेडी हुआ है अभी चलो। ये नहीं आएगा। शिवा तुम आ रहे हो कि नहीं? उसे इस सीन से थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम जाकर बात कर लो। व्हाट, व्हाट्स रॉन्ग विद हिम? क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा सा फ्री नहीं हो सकते? मैं यहाँ पर सिर्फ काम करने आई हूँ, मेरे इस प्रोफेशन में ये सब चीजें होती रहेंगी। तुम्हारा जो काम है उस पर ध्यान दो, आइंदा से मेरे काम में टांग मत अड़ाना। आप तो आओगे ना? सर सर सर, अभी मेरा इस सीन का मूड नहीं बन रहा है सर, कोई दूसरा सीन कर लेते हैं प्लीज सर। ओके ओके। अरे बाप रे बाप, ये यहाँ क्यों आ गया? कह रहे है? तूने क्या सोचा मुझसे कर्जा लेकर भाग जाएगा तो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा? भाई उधर शूटिंग कर रहे ले वो लोग। मेरा कर्जा चुकाने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है और तू यहाँ फिल्म बना रहा है? भाई फिल्म रिलीज होने के बाद कर्जा चुका दूंगा। हाँ? और अगर फिल्म डूब गई तो तू मेरा कर्जा कैसे चुकाएगा? हाँ? फिल्म की शूटिंग चल रही है, हीरोइन कहाँ पर है? ओहो, तुझे इतना शॉक क्यों लग रहा है? आजा आजा। कैमरा उठा लो रे, पैसे मिल जाएंगे। टोपी निकाल बे। छोड़ो छोड़ो मुझे। हीरोइन तो तूने बहुत बढ़िया लिया रे, अब मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, पैसे लौटा कर इसे ले जाना, चल। देखिए भाई साहब, आप लोगों के बीच में जो है आपस में देख लीजिए, मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। ए, तुम लोग लड़कियों को ऐसे छेड़ोगे? और मैं चुपचाप देखता रहूंगा, मैंने चूड़िया नहीं पहन रखी हाथों में। ए, हकला हमें धमकी दे रहा है। वो हकला तो जरूर है।
लेकिन उसकी धमकी में दम है। पावर स्टार का डायलॉग बोल के पावरफुल हो जाओगे क्या? हमारे यहाँ लड़कियों को कोई छेड़े तो पावर स्टार का ही नहीं, पावर स्टार के फैंस का भी खून खोलता है और पावर जनरेट होता है। अच्छा, तो तुझे छूने पर मुझे शॉक लगना चाहिए? लगेगा क्या? तू यहीं रुक। अरे बाप रे, मुझे शॉक लग गया। बचाओ, 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 मुझे शॉक लग गया। हाँ, मैं सिर्फ सिनेमा में ही हीरो नहीं हूँ, रियल लाइफ में भी हीरो ही हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने तो मारा भी नहीं। वो असली है और ये नकली। पेट भर गया मार खा के, अब जा। ए, चलो रे। भाई बहुत बुरी तरह से मारा हमें। ए, तुम लोग ये बस समझना कि तुम लोग बच गए। अगली बार और लोगों के साथ आऊंगा, फिर देखूंगा कि किस में कितना दम है। हाँ, चल रहे। चलो, यहाँ एक मिनट रुकने की भी जरूरत नहीं है, चलो। लेकिन मैडम जी, मेरी बात सुनिए, आपकी बेटी को कुछ नहीं होगा, इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। फिल्म रुक जाएगी, प्लीज हंसिका जरा समझाओ ना, हम पर भरोसा करें। मम्मी क्या है, तुम कुछ मत बोलो, ऐसे ही लोगों के बातों में आकर मैंने तुम्हें हीरोइन बनाई है, मेरी गलती है। और वैसे भी ये फिल्म फ्लॉप ही होने वाली है, तू चल मेरे साथ, चल। मैडम, मैडम प्लीज, मैडम आप सोचिए, प्लीज प्लीज मैडम एक बार सोचिए ना, मैडम प्लीज प्लीज मैडम प्लीज। आंटी, आपकी बेटी का मैं ख्याल रखूंगा, ये फिल्म मैं फिनिश करूंगा, भरोसा कीजिए आंटी। मम्मी मुझे कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ। ए डीजे, चेयर लेके आ जल्दी। ए, अभी क्या कहा तूने, ये सिनेमा तू फिनिश करेगा, तेरे पास पैसे कहां से आएंगे? फार्म हाउस तो नहीं बेच सकता, इस गोडाउन की हमें कोई जरूरत नहीं, इसे ही बेच देते हैं, फिल्म के लिए पैसे मिल जाएंगे। गोडाउन, क्या तुझे पता है उसमें क्या है? बेचने से पहले तू अपने घर वालों को बता दे। जरूरत नहीं, उसे बेचने के लिए पहले उसे खाली करना होगा, चल देखते हैं अंदर क्या है। उस दरवाजे को मत खोलो, मेरी बात मानो, मत खोलो दरवाजा। पहले गोडाउन साफ करेंगे, फिर उसे बेच देंगे, तभी हमारी ये फिल्म खत्म हो पाएगी। ए! शिवा, शॉट रेडी है इसलिए डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं, लेकिन हीरोइन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही,
तुमने देखा है? पता नहीं। ए, वो देखो, वो बंगले के अंदर जा रही है। मैं जाकर बुला कर लाता हूँ उसे। हंसिका, क्या हुआ? तुम यहां क्यों आई हो? क्या कर रही हो तुम? कहां चली गई? क्यों जी, तुम यहाँ मेरे लिए आए हो? चुड़ैल! मौनी! 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 इतनी देर से कहाँ थे तुम? हीरोइन कब से आकर तुम्हारा वेट कर रही है? ठीक है, चलो, अब तुम्हारा उसी के साथ सीन है। हा? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे वो बुखार आया है। ए शिवा! पावनी! हाँ, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? पता नहीं सर, उसे बुलाती हूँ। रहने दो, 6 बज गए हैं, पैकअप करते हैं। पैकअप! अस्तिरांत होकर रहेगा। What is this? Zip problem? Local brand. Show! Double D, double D! प्रोड्यूसर साहब, इधर भी चीटिंग करेंगे आप? कैसी बातें कर रहे हो तुम? शो कर दिया, लेकिन इक्के की जगह जोकर होना चाहिए ना। ये तो चीटिंग हो गई। क्यों जी, खुल्लम खुला चीटिंग करते हो? हाँ, चलो मेरे पैसे वापस दो, इधर लाओ। कुछ तो जादू टोना हो रहा है, पत्ते बदल कैसे गए? मैं ये खेल नहीं खेलूंगा। खेलना चाहता भी कौन है, मैं भी बहुत बोर हो चुकी हूँ। डीजे को बुलाओ। आप चाहो तो मैं कुछ पेश कर सकता हूँ। क्यों, तुम डांस करोगे? नहीं नहीं, आप चाहो तो अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं। बातचीत वातचीत कुछ नहीं, डीजे को बुलाओ, बातचीत करेगा मुझसे बातचीत। आज मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ मैडम, कल मैं नाच के दिखाऊंगा।
क्यों? प्रोड्यूसर बोलेगा तभी नाचोगे क्या? हमारे लिए नहीं नाचोगे? ऐसा कुछ नहीं है मैडम, डांस करने का मूड नहीं। ओहो, तुम्हें मूड में लाने के लिए हमें क्या करना होगा? मेरे साथ डांस करने का मूड है क्या? आपके साथ क्यों नहीं। म्यूजिक। Amazing. ये बीबी, उन सबके सामने तुमने डांस किया? तुम हीरोइन हो ये भूल गई हो क्या? मैं भी सबके सामने बोल नहीं पाई, तू चल ऊपर। वहां पर क्यों रुकी हो? सोना नहीं है क्या? चलो ऊपर। कौन है? मैं हूँ पावनी। तबीयत कैसी है? बुखार तो नहीं लग रहा है। पावनी, तुम्हें एक सच बताना है। कौन सी बात? इस बंगले में चुड़ैल है। फिर से शुरू हो गए तुम? प्लीज मेरी बात पे भरोसा करो। और वो चुड़ैल कौन है पता है? कौन है वो? वो अपनी डार्लिंग के लिए मैं क्या लाया हूँ बताओ? स्पेशल फूड सिर्फ मेरी लवर के लिए। वैसे भी वो मुझसे नाराज है ना, इसीलिए अपने हाथों से खिला कर आता हूँ उसे। अरे मतलब रुक जा यार, वो चुड़ैल है। हाँ? है? तुझे पता भी है तू क्या बोल रहा है? मेरी बात मान यार, वो चुड़ैल है। ए, मेरी गर्लफ्रेंड को फिर से चुड़ैल कहा ना तो मैं फ्रेंडशिप भूल जाऊंगा। वो इतनी मासूम भोली भाली लड़की, उसका चेहरा तुझे चुड़ैल जैसा लगता है क्या? अरे ऐसा नहीं है यार। चुप कर, ऐसे भी मैं रोमांटिक मूड में हूँ, जाने देना। अस्ता ला विस्ता। अरे अरे अरे, क्या हुआ है तुम्हें? मत भरोसा करो, मेरी बात पे कोई भरोसा मत करो। कौन है? मैं हूँ। मैं कौन? मैं हूँ तुम्हारा मदन। क्या काम है? फूड लाया हूँ। अंदर आ जाओ। ए डार्लिंग, कहाँ हो? यहाँ पर। कहाँ हो तुम? यहाँ पर। खटिए के नीचे छुपी हो। रुको मैं पकड़ता हूँ। कहाँ हो? नीचे नहीं, ऊपर देखो। ये खाना मेरे लिए लाए हो ना? पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा होगा, मेरी बात नहीं मानी ना उसने।
अब तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे पास आओ। कोई भी एक कहानी सुनाओ। मुझे कहानी नहीं आती। तो फिर गाना गाओ। मैं गाना गाऊं? कौन सा गाना? ठीक है, सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी, सो जा। पता नहीं किस हालत में होगा वो, देख कर आता हूँ। ये तो गया काम से, निकल लेता हूँ मैं तो। अब मैं क्या करूं? आंटी, आंटी, मैं हूँ मदन। आंटी देखिए, मैं हूँ मदन, शांत हो जाइए। तुम आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने सिर्फ इतना ही कहा उससे कि एक इतनी बड़ी हीरोइन होकर सबके सामने डांस करना अच्छा लगता है क्या? इसलिए उसने मुझे बहुत मारा। अब तुम ही बताओ, एक माँ होने के नाते ये बोलने का हक नहीं है मुझे? बिल्कुल है आंटी। लेकिन तुम यहाँ पर कैसे? सोचा था खाना लाकर सरप्राइज दूंगा, मगर उसने मुझे शौक दे दिया आंटी। मेरी बेटी को कुछ तो हुआ है। हाँ हुआ है आंटी, चुड़ैल ने पकड़ा है। आज के लिए यही जगह सेफ है, जो भी करना है सुबह करेंगे। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट। सर ये पावनी, शिवा कहाँ है? उसे बोलो जल्दी यहाँ पर आए, हम लोग ऑलरेडी लेट हैं। ओके सर। ए डायरेक्टर, जरा इधर आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। तू है? अच्छा, क्या हुआ? मुझे लगता है नींद पूरी नहीं हुई रात को, लेकिन हंसु तो झूला झूला के लोरी गा रही थी तेरे लिए। अच्छा, तूने देख लिया क्या? सॉरी यार, मैंने तेरी बात पे भरोसा नहीं किया। हे भगवान, मेरी बेटी को चुड़ैल ने पकड़ा है, अब मैं क्या करूं समझ नहीं पा रही। मैं नहीं जाऊंगा, तू जा। इसको क्या हुआ? ये क्या यार, तेरा ये हाल किसने किया? हीरोइन में कुछ तो है, डांस एमजे से भी डेंजर करती है। उसी के साथ डांस करने का ये नतीजा है। प्लीज मुझे छुपा लो, कोई तो बचा। आजो, आजो, अंदर आजो। तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिवा शॉट रेडी है, चलो। मैं नहीं आऊंगा, हीरोइन को चुड़ैल ने पकड़ा है। ए पागल हो गए हो क्या? कल से देख रहे हो चुड़ैल चुड़ैल की रट लगा रखी है, चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं। चलो। नहीं पावनी, शिवा सही कह रहा है, हंसिका हाँ, चुड़ैल बन गई है। हाँ बेटी, मेरी बेटी को चुड़ैल ने पकड़ा है। ओ गॉड। वो सब नहीं हो सकता, ग्राफिक्स की जरूरत होगी, पहले बताना चाहिए था ना। अभी के अभी ग्राफिक्स के लिए पैसे कहाँ से अरेंज करूँ, मेरे पास तो पैसे नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं सर, हॉरर सिनेमा में ग्राफिक्स नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा सर। उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बिना ग्राफिक्स के सिनेमा बन सकती है तो बनाओ, नहीं तो फिल्म कैंसिल करो, बस हो गया। इस फिल्म के लिए ग्राफिक्स की जरूरत नहीं है। ए, ये क्या कह रही हो? ग्राफिक्स से ही सर को 180 डिग्री घुमा सकते हैं, समझी क्या? ऐसे ही ना। आ, 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 आ,
पावनी क्या हुआ? ये हनुमान। सब लोग ध्यान से सुनो, मेरा नाम मोंजुलिका है। आज से ही इस फिल्म की हीरोइन मैं हूँ। इस फिल्म के कंप्लीट होने तक कोई यहाँ से नहीं जाएगा। मेरी मदद करोगे तो किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगी, और अगर धोखा दिया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। समझ में आया कि नहीं? अब जाओ, जाकर शूटिंग की तैयारी करो। थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करो, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? पानी दो। बेहोश कैसे हो गए? क्या हुआ था यहाँ पे? मैंने कहा था फिल्म वालों को किराए पर मत दो। आखिर कहानी क्या है? 7 साल पहले तुम्हारे दादाजी इस जगह को फिल्म वालों को किराए पर दिए थे। स्वाति कौन है? आ जाओ। कब तक ऐसे चलेगा? पता नहीं, लेकिन बिना हीरोइन बने मैं वापस नहीं जाऊंगी। क्या है ये? इस पागलपन के पीछे तूने 3 साल बर्बाद कर दिए हैं, और कितना टाइम वेस्ट करेगी? प्लीज, थोड़ा सा सब्र करेंगे तो डेफिनेटली चांस मिल जाएगा। यही बात तू मुझे 3 सालों से बता रही है। तेरे घर वाले रिश्ते देख रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी पे मैं तुझे यहाँ लेकर आई हूँ। तेरे घर वालों ने तुझे इतना टाइम दिया, वही ग्रेट है। ऐसा नहीं है। मैं तेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाली हूँ। अगर इस ऑडिशन में तेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो तू मेरे साथ चलेगी, ये बात समझ ले। ठीक है। मंजोलिका कौन है? मैं हूँ। आ जाओ। आ जाओ। मंजुलिका, ऑडिशन कैसा था? मंजुलिका, हीरोइन के लिए सिलेक्ट हो गई तू? सिलेक्ट हो गई। सच? तो चेहरा ऐसा उतरा हुआ क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, सच में सिलेक्ट हो गई। वो सब छोड़, कांग्रेट्स, आखिर में मेरी फ्रेंड हीरोइन बन ही गई। ए मंजुलिका, ए कहाँ जा रही हो? ए ए या ए तुम्हारा ध्यान कर क्या देखो ना, you're looking so pretty। चला कि नहीं? एक मिनट रुको। अरे क्या हुआ? संध्या, 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 मेरी बात तो सुन। मैंने जो बात सुनी शायद वो सच है। हाँ सच है। अच्छी फैमिली से होकर कैसी हरकतें कर रही है तू? और मैं क्या करती, मुझे दूसरा रास्ता ही नहीं दिखा। क्यों, हीरोइन नहीं बनेगी तो मर जाएगी क्या? हाँ मर जाऊंगी। ऐसी हरकतें करके मेरी नजरों में कब की मर चुकी है तू? आज के बाद मुझसे कभी मत मिलना। संध्या, संध्या, ठीक है जा, चली जा। मेरे हीरोइन बनने के बाद मुझे ढूंढती हुई आएगी तू, जा। तो वो हीरोइन बनी क्या? नहीं, उस डायरेक्टर ने सिनेमा के मुहूर्त के दिन किसी और लड़की को हीरोइन घोषित कर दिया।
Watch him make you break it down, the music will just ooze. Baby, baby! इसकी छोटी छोटी कपड़ों में तस्वीरें निकाल कर पब्लिक को दिखाएंगे। ट्रेलर रिलीज होने से पहले ही पब्लिक पागल और फिल्म हाउसफुल। ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने मुझे फिल्म से निकाल दिया? इस फिल्म को रहने दो, अगली फिल्म में ट्राई करेंगे। ए, इसे थोड़े पैसे देकर भेज दे। मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। इस फिल्म की हीरोइन मैं ही बनूंगी। ए, उठाकर बाहर फेंको इसे। तुम इसे नहीं कर सकते। इस फिल्म की हीरोइन मैं ही बनूंगी। मेरे अलावा और कोई ये फिल्म नहीं कर सकती। छोड़ो मुझे। मैं ही बनूंगी इस फिल्म की हीरोइन। गेट खोलो। मैं हीरोइन। ऐसा मत करो। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? मैंने वो किया जो तुमने कहा, अब मुझे हीरोइन क्यों नहीं बना रहे हो? छोड़ो, रुको। आपके दादाजी ने यह तय कर लिया कि इस जगह को फिल्म वालों को नहीं देंगे। आपके दादाजी सभी धर्मों को मानते थे, इसलिए सभी पुजारियों को बुलाकर कड़ी पूजा करवाई और उस आत्मा को कैद कर लिया गया। लेकिन इस हादसे के 2 साल बाद ही आपके दादाजी गुजर गए। पूजा बंद होने के कारण उस आत्मा की शक्ति बढ़ती चली गई। इस जगह पे जिसने कब्जा किया था उसने भी इसी के डर से यह जगह खाली कर दी। आप लोगों के दरवाजा खोलने की वजह से मोंजोलिका की आत्मा उस लड़की के शरीर में आ गई है। हे भगवान, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन वो मेरी बेटी के शरीर में क्यों घुसी? क्या रे, तुझे क्यों इतनी हंसी आ रही है? इसलिए कि हीरोइन की आत्मा तो हीरोइन के शरीर में जाएगी ना। बिल्कुल सही कहा। हे भगवान, अब मेरी बेटी को कैसे बचा सकते हैं? पता नहीं। तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, मैं जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। हेलो। हाँ जी बोलिए। सर, हमारे यहाँ चुड़ैल है सर, आप ये हमें बचा सकते हैं सर? जस्ट रिलैक्स, आप अपना एड्रेस मुझे टेक्स्ट या व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं कल शाम तक आपके पास पहुँच जाऊँगा। सर कल शाम तक लेट हो जाएगा सर। कुछ भी करो, कल तक मैनेज करने की कोशिश करो। करता हूँ सर। बाय। ये बाकी सब लोग कहाँ चले गए? शूटिंग हो रही है कि मजाक हो रहा है? क्या पावनी, रेडी हो कि नहीं? हाँ, रेडी सर। मैडम रेडी हो? रेडी हो? मेकअप मैन साइड हो जाओ। चलो साइड हो जाओ। कैमरा रोलिंग, एक्शन। घर पर कब आ रहे हो? कट कट कट, कैसे बोल रही हो? ये कैसे एक्सप्रेशन है? अगर तुम इस तरह के फ्लैट एक्सप्रेशन दोगी तो ये फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। नहीं, ये एक्टिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। डायरेक्टर साहब शायद भूल गए हैं कि वो जिस लड़की से बात कर रहे हैं वो चुड़ैल बन गई है, पछताएंगे। तुम्हारे फेस पर एक भी एक्सप्रेशन सही नहीं आ रहा है। छी,
नहीं प्रोड्यूसर सर, नहीं, इस तरह की हीरोइन के साथ मैं काम नहीं कर सकता। आपको हीरोइन चेंज करनी पड़ेगी। इट्स फाइनल। मैडम गलती हो गई, फिल्म कंप्लीट होने तक हीरोइन चेंज नहीं होगी, सिर्फ हीरोइन के कॉस्ट्यूम्स चेंज होंगे बस। तुझे डायरेक्टर का टी भी नहीं आता, फिर भी तू डायरेक्शन कर सकता है तो मैं एक्टिंग क्यों नहीं कर सकती? मुझे माफ कर दीजिए, ये फिल्म कंप्लीट होगी और आप ही के साथ होगी। हाँ, तू असिस्टेंट होकर खुद को कैमरामैन क्यों बताता है? मैं क्या करता दीदी, असिस्टेंट कैमरामैन का काम करते करते मैं पक गया था, इसलिए झूठ बोल के डायरेक्टर बन गया। क्यों रे, ओरिजिनल डायरेक्टर को चांस देने के बदले बाहर वालों को क्यों बुला रहा है? अरे बाप रे बाप, ऐसा कुछ नहीं है मैडम, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा, अब से लोकल डायरेक्टर ही रखूंगा, प्रॉमिस। अभी तक जो किया कैसा लगा? वो बहुत ही मस्त था मैडम, सॉरी सॉरी, वो बहुत ही अच्छा था। मैं नेक्स्ट सीन के लिए कॉस्ट्यूम चेंज करके आती हूँ। ओके ओके। मैं नहीं करूँगा। शिवा क्या है ये, चलो कुछ नहीं होगा। लेकिन यही सीन क्यों करना है, दूसरा सीन नहीं है क्या? नहीं डायरेक्टर साहब, यही सीन करना चाहते हैं, इस लाइट में वही सीन सही कह रहे हैं। डायरेक्टर की तो मेरी जान लेके रहेगा, लेकिन वो किस करेगी तो मदन को पसंद नहीं आएगा। I am okay with it. You carry on. उसमें चुड़ैल आ गई है, इसीलिए ओके बोल रहा है ना? देख रहा हूँ तुम सब मिलकर के मुझे ही फंसा रहे। शिवा कुछ नहीं होगा, चलो। प्लीज पावनी, कुछ नहीं होगा कह रही हूँ ना मैं, गो। अरे टेंशन मत लो यार, जाओ। एक्शन। गो। कट 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 कट, वन मोर। कट 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 कट, क्या हो रहा है ये, क्या है क्या ये, थोड़ा सा फील करके टेक नहीं दे सकते क्या? डर लग रहा है क्या? डरने की कोई बात नहीं है, तुम टेक करो, मैं रोल करता हूं। कट 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 कट, क्या कर रहे हो यार तुम, फील करके तो टेक दो। वन मोर। ओके आई एम रोलिंग, एक्शन। तुझे एक्टिंग करना भी नहीं आता? मंजुलिका, तुमने क्या कहा, तुमने क्या कहा? मुझे एक्टिंग नहीं आती है क्या? इतनी बड़ी बात नहीं कहते। ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर तक, छोले मूवी से लेकर मुल्तान तक, हर फिल्म को कई बार देखी है मैंने। फिल्म के हर कैरेक्टर पर पीएचडी करके, उनकी साधना करके और उनकी पूजा करके अपने अंदर समाया है। एक्शन फिल्में देखकर, एक्शन हीरोज को देखकर, एक्शन कर करके मैंने अपनी इस नॉर्मल बॉडी को फौलाद जैसा बना लिया है। अब किसी से डर नहीं लगता, गेट आउट बोल दिया है मैंने डर को अपनी जिंदगी से। ऐसा है ये हीरो। मुझे लगता है कि तुझे शायद ये गलत फहमी हो गई है कि तुझे बहुत अच्छी एक्टिंग आती है। मुझे एक्टिंग करनी है, एक्टिंग करनी है बोल के कोई एक्टर नहीं हो जाता। ये वो कला है जिसे डरा धमका कर नहीं करवाया जा सकता।
इसने मेरी इंसल्ट की ये बोल करके कि मुझे एक्टिंग नहीं आती। इसकी वजह से मेरा खून खौल गया है। पैसा लगाने वाले हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर, थिएटर में दिखाने वाले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर, बैठकर तालियां बजाने वाली हमारी ऑडियंस, उनसे वादा करता हूँ कि वो कभी निराश नहीं होंगे मेरी एक्टिंग को देखकर। कैमरा, लाइट्स, कॉस्ट्यूम, इन सबको पूजना और उनकी इज्जत करना हमारे खून में है। हमारे सिनेमा लाइन से जुड़ा हुआ हर आदमी इस बात को जानता है कि जो भी यहाँ उनकी बेइज्जती करेगा उन्हें माफ नहीं किया जाएगा। मुझे एक्टिंग नहीं आती। इस शानदार सीन को देखने के बाद मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि जो भी ऑडियंस फिल्म को देखेगी तालियां बजाए बगैर नहीं रह पाएगी। एनी डाउट? वन डाउट, तू बिना हकलाए इतना सब कैसे बोल गया यार? अरे हाँ यार, यानी इतना लंबा मोनोलॉग मैंने बिना हकलाए बोल दिया। अरे अभी भी देख, मैं हकला नहीं रहा हूँ। मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब कौन मुझे रोकेगा बनने से हीरो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है ना? यू आर रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच। मुझे छूने की कोशिश करता है। सर, सर कट बोलिए। कट। इसको उठाओ यार, और सब लोग साइलेंटली मेरे पीछे आओ। शिवा, आ जाओ। आर यू ओके? हे शिवा, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? मैं तुम्हें थैंक्स कैसे कहूँ यही सोच रहा हूँ। हीरो के लिए डेट्स दी है वही काफी है। आई मस्ट थैंक यू। इतने दिनों में लगता है डायरेक्टर मैडम बहुत इम्प्रेस हो गई हैं मुझसे। नॉट बैड। सुरभि सुकुमार कहाँ है? आपने मुझे बुलाया मैडम? तुम कौन हो मैं जानती हूँ। मैं कौन हूँ तुम जानते हो? मैं तुम्हारी फैन हूँ। आप और मेरी फैन? आप क्या कह रही हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बचपन में मैं अपने दादाजी के साथ नाटक देखने जाया करती थी और मुझ में उसी से एक्ट्रेस बनने का जुनून सवार हुआ। आप जो भी कैरेक्टर्स प्ले करते थे उन्हें घर में आकर एक्ट करती थी। तो इस तरह से आप इसे मैं एक्टिंग सीख पाई हूँ और इसी तरह मैं आपकी फैन भी हो गई हूँ। आपकी बातें कानों को बहुत मधुर लगी। आप जिसकी फैन है उसकी बातें इनमें से कोई भी नहीं सुनता है। आपसे यहाँ आपकी बातों को कोई मना नहीं करेगा। सब लोग सुन रहे हो ना? जो ये कहेंगे वही करना होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। नैंसी, क्या कर रहे हो? सुबह शूटिंग नहीं करनी है क्या? उसके बारे में सोचना छोड़कर बैठकर डीवीडी देख रहे हो? सर, हमारा ग्राफिक्स फ्री में होगा। अच्छा दीदी, अब कुछ सीन ऐसा है कि अपने सिर को इधर उधर हिला के हीरो को उस कोने से लेके इस कोने तक फेंकना है। वैसे भी ये तो आपके लिए बहुत ही इजी है। पावनी, तुम शिवा को ले आओ जरा। यस सर। आ जाओ इधर बैठो। लेकिन सीन तो बता दी। जरूरत नहीं है, दीदी को बता दिया, वो संभाल लेगी। तुम लेट जाओ बस। रेडी, एक्शन।
एक्सीलेंट कट एक्शन एक्सीलेंट कट ये जरूरी है क्या हटना एक्शन ए डायरेक्टर अरे कट बोलेगा कि नहीं ए ए ए अरे बोल दा ए ए तुझे ही बोल रहा हूँ अबे बोल दा ए डायरेक्टर शॉट करना भूल गया वन मोर ए बोल दा ए कट कट एक्शन शुरू करो आप अभी जाकर रूम में आराम कीजिए जैसे ही शूटिंग शुरू हो जाएगी मैं खुद आकर आपको बुला लूंगा अच्छा पावन ये कह रहा था कि जो अगला सीन है बैठ जाओ हाँ यहाँ शूट करें तो कैसा रहेगा ठीक है सर नो प्रॉब्लम सर वो गुंडा दस जन के साथ वापस आया है दस जन के साथ क्या हमें अब किस बात का चलो आ जाओ जो भी बीच में आए उसे काट देना भाई आज यहाँ कोई नहीं बचना चाहिए चलो उन्हें डिस्टर्ब मत करो आ जाओ इधर आओ आप बैठ जाइए मैडम अंदर क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी वो आराम कर रही है I think they've just done that. That is clever. He's got a wide range of shots. What's he going to do? That's huge. That is a piggy. It's out of here. आपके पास इतना पावर है पहले क्यों नहीं बताया So sad. मैडम अपनी फिल्म कंप्लीट हो जाए उसके लिए हमें और 25 लाख चाहिए और उस 25 लाख के लिए आप इस गुंडे से एक चेक लिखवा लीजिए ना प्लीज जल्दी से चेक दो दीदी चेक नहीं है अरे लगता है भाई आप भूल गए आपने चेक बुक गाड़ी में रखी है I hope I have come to the right place. लड़की की आत्मा को घुसे हुए कितने रोज हुए हैं 3-4 दिन हुए सर एक बार लड़की को एग्जामिन करना पड़ेगा ओके सर ओके एक मिनट रुकिए सर ऐसा किया तो उसे गुस्सा आ जाएगा सर मेरे पास एक आइडिया है एक्शन
मेरी बेटी कैसी है डॉक्टर? शी इज क्रिटिकल। आप कहना क्या चाहते हैं डॉक्टर? शी इज पोजेस्ड। मतलब? देखिए, आपकी बेटी में दूसरी आत्मा ने प्रवेश कर लिया। हाँ? और वो उसे डोमिनेट कर रही है। अगर ऐसा ज्यादा दिन चला तो उस लड़की के कोमा में जाने के आसार बढ़ जाएंगे। इसलिए अब आप सिर्फ एक ही कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट करवा के उस आत्मा को बाहर निकालो। देर किस बात की डॉक्टर, जल्दी से ट्रीटमेंट चालू कीजिए। यहाँ पर नहीं हो सकता। तो फिर उसे मेरी लैब में लाना होगा। सर मैं लेके आता हूँ सर। प्लीज डू दैट। डॉक्टर साहब, दो दिन में शूटिंग खत्म हो जाए, उसके सीन के लिए ग्राफिक्स की जरूरत है। ए, सुन प्रोड्यूसर, तेरी वजह से मेरी बेटी की यह हालत हुई है। अगर और कुछ बोला तो मैं तेरी जान ले लूंगी। इंसान की जान से ज्यादा फिल्म इम्पोर्टेंट है तेरे लिए, तेरी तुम्हें। छोड़ो छोड़ो, टाइम वेस्ट मत करो, चलो। हाँ, चलो चलो। डॉक्टर साहब, वो पॉसिबल नहीं है क्या? ये सब तो वो डिसाइड करेंगे ना। मिस्टर शिवा, उसे जल्दी लेकर आओ। संभाल के उतारो, संभाल के। आराम से, चलो। उठा लो इन्हें, उठा लो। उसे ले जाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ? ओ, दीदी उसमें शिफ्ट हो गई। सर अभी क्या करें सर? फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकता, मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। ये किसी काम के नहीं बेटा, मैं जाके सारे धर्मवादी पुजारियों को लेकर आता हूँ, वही लोग अब इस चुड़ैल को रोक सकते हैं। पावनी। हाँ सर। ये सीन यहाँ पर शूट करें या किसी दूसरी लोकेशन पर? यहाँ पे लाइट थोड़ी ज्यादा लग रही है। कल क्या हुआ था? दूसरी जगह कर लेते हैं। कार में बिठाते समय चुड़ैल आपके अंदर प्रवेश कर गई और हंसिका को हॉस्पिटल ले जाने से रोक दिया। हे भगवान, ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी ना? मैं इस चुड़ैल को अभी सबक सिखाती हूँ। आंटी, आंटी। ए चुड़ैल कहीं की, तुझे मेरी ही बेटी मिली, तू मेरी बेटी को छोड़ेगी कि नहीं? निकल, निकल। क्या रे, ऐसे क्या देख रही है? मैं तुझसे बिल्कुल नहीं डरती, बाहर निकल मेरी बेटी से। शांत हो जाओ। क्या कर रहे हो? छोड़ो मैडम, छोड़ो मुझे। शांत हो जाओ। देखो हम उन्हें संभाल लेंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ। ओ डायरेक्टर, तुम शूट करो यार, ये सब चलता रहेगा, तुम शूट करो। थर्मोकोल कौन पकड़ेगा? जरूरत है तो मैं पकड़ता हूँ ना। चलो शांत हो जाओ। सीन कुछ ऐसा है कि मेकअप मैन जरा इधर आओ, कुछ भी करके उसका मूड चेंज कर दो, वरना हमें अच्छा शॉट नहीं मिल पाएगा। आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगा। हाँ करो ना। अब तक इस फिल्म में तुमने जो भी एक्टिंग की है वो कल रात मैंने लैपटॉप पर देखी, मैं तो देखकर पूरी तरह चौंक गया। इतनी अच्छी एक्टिंग की है तुमने, तुम महान एक्ट्रेस हो। हाँ, तुम्हें तो अवार्ड मिलना चाहिए। कल के आपके सीन्स देखे, आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? आइडिया, मंजुलिका को फिल्म में एक्टिंग करने का बहुत शौक था, लेकिन वो पूरा नहीं हुआ। सही कहा, तो क्या? अब सोचो, अगर हम उसकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं तो वो हंसिका के शरीर को छोड़ देगी। वाह, ये तो सही है। अब हमें क्या करना होगा? देखो पावनी, इस स्क्रिप्ट में एक्टिंग के स्कोप वाले सीन हम उससे करवाएंगे। फिल्म खत्म होते ही उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और वो चली जाएगी। आइडिया सही है, मैं जाकर सबको ये आइडिया बताती हूँ और सीन रेडी करवाती हूँ। रेडी सर। एक्शन। वो मटेरियल जल्दी से मंगा ले।
मेरे पेरेंट्स का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। तुमने देखा है क्या? ऐसे हालात में मैं उन्हें नहीं देख पाऊंगी। कट। पावनी, वो नॉर्मल एक्टिंग नहीं कर पा रही है। हमें हर सीन में चुड़ैल थोड़ी चाहिए। इस तरह से प्लान वर्कआउट नहीं होगा। सर, मैं जाकर उसे समझाती हूँ। मुझे 2 मिनट दीजिए। ठीक है। मांजुलिका, तुम्हारा नाम यही है ना? देखो मांजुलिका, तुम अगर हमेशा ऐसे गुस्से में रहोगी तो एक्टिंग पे ध्यान नहीं दे पाओगी। तुम्हारे साथ जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम एक हीरोइन हो। तुमने बचपन में जो सपना देखा था उसके पूरे होने का टाइम आ गया है। तुम में जो कला है उसे पब्लिक को दिखाने का टाइम आ गया है। अब हम लोग सीन टेक करते हैं। रेडी हो ना? एक्शन। कंपनी से मटेरियल जल्दी भेज दो। मेरे पेरेंट्स का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। तो फिर चलो चलते हैं। ऐसी हालत में मैं उन्हें नहीं देख सकूंगी। Just control yourself. इस घर में आने के बाद ही ये सब हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। No, मैं नहीं देख सकती। Just leave me alone. Good, wonderful. Very nice. Marvelous. Excellent. Super. मेरे पेरेंट्स का हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया है। Just control yourself. ऐसी हालत में मैं उन्हें नहीं देख सकूंगी। वाओ, ये जैकेट बहुत अच्छी है। प्लीज, क्या हम इसे खरीद सकते हैं? तुम्हें पसंद आई क्या? हाँ। तो ठीक है, खरीद लेते हैं। सच में? थैंक यू सो मच। हे, सॉरी सॉरी, क्या हुआ? आर यू ओके? यहाँ पर चुड़ैल है। यहाँ पर चुड़ैल है। क्या कह रही हो तुम ये? देखो, बाबर है वो, बाबर है। बेवजह मैं डर रही हूँ, सो जाओ। तुम बहुत अच्छा कर रही हो। क्या है कि ये इस फिल्म का आखिरी सीन है। इसे भी अगर तुम उतनी अच्छी तरह से कर दोगी तो हमारी फिल्म कंप्लीट हो जाएगी। जी हाँ मैडम, प्लीज। आप कह रहे हैं इसीलिए? मैं मान जाती हूँ। दीदी, मैं ये कह रहा था कि बॉडी पे हाथ रख के मंत्र पढ़ने के बाद आप अपने आप इस बॉडी से बाहर निकल जाएंगी। कट करने के बाद आप वापस अंदर आ जाना। ओके। एक्शन। अब ये बिल्कुल नहीं हिलेगी। कट मत बोलना, हाँ। इसे हॉस्पिटल लेकर जाना है हमें। ओके ओके। कट बोलेगा कि नहीं तो? दीदी, तुम तो इसमें शिफ्ट हो गए। तुम तो बहुत ही पावरफुल हो। कट। ए, कट क्यों बोला तूने? हाँ? तुम्हें समझ में नहीं आ गई है? याहू! अपनी फिल्म कंप्लीट हो गई है। अब हमारे सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। अब से हम पूरी तरह से पब्लिसिटी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे। क्या कहते हो? जाओ। क्या कहा था तूने? फिल्म खत्म करते ही मेरी बेटी को वो छोड़ने वाली थी ना, तो अब क्यों नहीं जा रही है? आंटी, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। फिल्म खत्म होते ही मुझे लगा था कि वो खुशी खुशी निकल जाएगी, लेकिन वो जाना क्यों नहीं चाहती? ए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर एक दिन भी लेट किया तो हंसिका की जान को खतरा हो सकता है। आई थिंक जब तक उसे हीरोइन का फेम नहीं मिल जाता वो हंसिका को छोड़कर नहीं जाएगी। मतलब फिल्म के रिलीज से सक्सेस होने तक ऐसे ही चलता रहेगा? ये सब के लिए तो मिनिमम 3-4 मंथ्स लगेंगे। पर इतना टाइम नहीं है। आइडिया,
फिल्म रिलीज हो गई है ऐसा बोल के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे तो गुड आइडिया। हम लोग उसे धोखा दे रहे हैं, ये उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आना चाहिए। नहीं आएगा, अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके मैं सारे फेक जर्नलिस्ट बुलाऊंगा, उसे कोई डाउट नहीं होगा। ओके ओके, टाइम नहीं है, चलो जल्दी। हाँ चलो चलो, हाँ चलो जल्दी चलो। हाँ चलो चलो। अगर मैं इस मैटर को अपनी फिल्म की पब्लिसिटी के लिए यूज कर लूं तो? एक मिनट। हेलो सुबारा, मैं प्रोड्यूसर रविंद्र बोल रहा हूँ और इस बार तो एकदम सच बोल रहा हूँ। कल सुबह 10 बजे कैमरा लेकर के चित्रधारा बंगलो में आ जाओ, एक बहुत बड़ी न्यूज है, अभी बताना मुश्किल है, काफी पैसे वाला मैटर है। हाँ टाइम पर आ जाना बिल्कुल। हाँ मंजुलिका जी, आपकी फिल्म रिलीज हुई और सक्सेस भी हुई, आपको कैसा लग रहा है? क्या कहा? मेरी फिल्म रिलीज हो गई? मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ताकि हम तुम्हें सरप्राइज दे सकें। मतलब मेरी फिल्म रिलीज हो गई, आखिर मैं हीरोइन बनी गई, मतलब मेरा सपना पूरा हो गया, मैं जीत गई, मैं हीरोइन हूँ, मैं हीरोइन हूँ। सोचा तो कुछ और ही था, लेकिन ये लोग मिलके इसे पागल बना रहे हैं। कौन किसे पागल बना रहा है रे? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये फिल्म रिलीज नहीं हुई है, ये सब लोग तुम्हें मिलके बेवकूफ बना रहे हैं। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। क्या रे, ये सच कह रहा है? वो तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। उत्तरी, ये तो सच की चुड़ैल है, ये फिल्म बना रहे हैं, रियलिटी शो बना रहे हैं, अगर यहाँ रुका तो मर जाऊंगा। चलो वो रही वहां, चलो नहीं चाहिए। अच्छा वो आप लोग आ गए, वो ऊपर गई है, आइए। चलो चलो जल्दी, ऊपर गई, कम ऑन क्विक, आ जा इधर से यहाँ। आइए आइए, खोलो दरवाजा, खोलो, कम ऑन कम ऑन, तोड़ दो दरवाजा। अब आप लोग जा सकते हो, दरवाजा तोड़ो। ये लोग कौन है शिवा? आपसे कुछ नहीं होगा, अब चुड़ैल के साथ जो करना है ये लोग करेंगे। देखो मिस्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो साइंस में पॉसिबल नहीं है। व्हाट इज दिस शिवा? सर अभी भगवान बड़े या साइंस बड़े ये सोचने का समय नहीं है, दोनों मिलके कोशिश करेंगे। अभी हमारे लिए हंसिका को बचाना जरूरी है, हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज सर। कम ऑन हंसिका, वन मिनट, एक मिनट, आप जरा हटेंगे। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बैग पे सुला दो। चलो चलो उसे पकड़ो, हाथ बटाओ, चलो जल्दी करो, छोड़ दो मुझे। चलो लेकर चलो, कहाँ जा रहे हो? हाथ बांध दो। कौन हो? इस लड़की में तो चुड़ैल को निकालना है, आप सब आ जाइए। श्री गुरु चरण सरोज रघुवर विमल जानकी सुमरे पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव।
एक मिनट रुकिए, आप लोग जो कुछ भी कर रहे हैं उसे मोंजलिका की आत्मा इसके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी। अरे नहीं, आत्मा को सिर्फ डब्बे में बंद किया जा सकता है। आत्महत्या करने वाले की आत्मा कभी शांति से नहीं रह सकती। बिल्कुल, शैतान आत्मा को रिहाई नहीं मिलती। जब तक उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होती उनकी आत्मा इसी तरह से भटकती रहती है। चले जाइए। मैंने बोला ना आप लोग चले जाइए यहाँ से। तू रुकना यार। What rubbish are you talking? अगर आप लोग इसे छोड़कर नहीं जाएंगे तो मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। Everyone get out. You will regret your action. शैतान नहीं छोड़ेगी। God please forgive. तुम पछताओगे। क्या यार, ये तूने क्या किया? पागल हो गया क्या? ए मदन, मोंजलिका बहुत अच्छी है यार। उसकी आत्मा ने हमारी बहुत हेल्प की है। तुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसे टॉर्चर किया जा रहा है? तुझे उसकी क्यों पड़ी है? उसकी बेवकूफी की वजह से तू हंसिका की जान जाने देगा? अरे मदन, ऐसा नहीं है यार, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। हे भगवान, ये क्या किया तुमने? कुछ ना कुछ सोच कर इस चुड़ैल को बाहर निकालो और मेरी बेटी को पहले बचाओ। जब तक मैं हीरोइन नहीं बन जाती, तेरी बेटी के शरीर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब तू खुश है ना? हंसिका डेफिनेटली मर जाएगी। हे मदन, ऐसे नहीं होगा यार, कुछ तो करेगा। बोलना बोलना बोलना, क्या करेगा? आइडिया पावनी। हाँ? प्लीज कम। मोंजलिका कहाँ पर है? मोंजलिका कौन है? मैं हूँ तेरी फ्रेंड संध्या। कौन संध्या? ये क्या, तू मुझे इतनी जल्दी भूल गई? मैं हूँ तेरी बेस्ट फ्रेंड संध्या। संध्या 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 संध्या, सही कहा, तेरी फ्रेंड संध्या। संध्या, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे देखने का मन हुआ इसलिए आई हूँ। मुझसे नहीं मिलेगी, कहा था ना। माफ कर दो मुझे, मुझे ये पता था कि तू फिल्मों के पीछे पागल है, मगर जान से ज्यादा प्यारा है ये मुझे नहीं पता था। अगर उस दिन मैं तुझे अकेला छोड़कर नहीं गई होती तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। मुझे माफ कर दे। हीरोइन बनने के तेरे इस जुनून की अब मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन तू अब ये कर क्या रही है? मैंने क्या किया? तेरे जैसे ही हीरोइन बनने का सपना लेकर ये लड़की यहाँ पर आई थी, पर अब तू इसकी जान के साथ खेल रही है। तेरे सुसाइड करने के बाद तेरे माँ बाप पर क्या गुजरी है सिर्फ मैं जानती हूँ। अब वही तकलीफ तू इस लड़की के माँ बाप को देना चाहती है। देख मोंजलिका, इन लोगों ने तुझे हीरोइन लेकर फिल्म बनाई है, टाइटल पर तेरा ही नाम होगा, लेकिन इस फिल्म को रिलीज होने के लिए 2-3 महीने तो लगेंगे ही ना। तब तक अगर तू इस लड़की के शरीर में रहेगी तो इस लड़की की जान जा सकती है। जरा सोच कर देख। सब लोगों को अंदर बुलाओ। मैंने आप लोगों को बहुत तकलीफ दी है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे ये मौका देने के लिए आपका शुक्रिया। आपको नहीं, थैंक्स तो हमें आपको कहना चाहिए। आपने सिर्फ फिल्म को ही नहीं, मेरा करियर बनाने में भी आपने बहुत हेल्प की है। इसके लिए मैं आपका कर्जदार रहूंगा। हाँ मैडम, अगर आप नहीं होती तो ये फिल्म कम्प्लीट नहीं होती। सच कहूँ तो आपने हमें बिल्कुल परेशान नहीं किया। आपके किए हुए अभिनय का हम पूरे देश में प्रचार करेंगे। यस। Yeah.
तो ठीक है, मैं जा रही हूँ। मंजुलिका जी बताइए, आपकी पहली ही फिल्म इतनी सक्सेसफुल हुई है तो आपको कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली मेरा नाम हंसिका है, मंजुलिका ने मेरे शरीर में प्रवेश करके इसमें एक्टिंग की है। लेकिन पब्लिक को आप दिख रही है तो आप ही हीरोइन हुई ना? प्लीज ऐसा मत कहिए, उसी ने मेरे शरीर में प्रवेश करके इतनी अच्छी एक्टिंग की है, तो इस फिल्म की हीरोइन मंजुलिका ही है, मैं नहीं हूँ। जो भी हो, इस फिल्म में आप ही हीरोइन हो, इस फिल्म के सक्सेस के बारे में आप क्या कहना चाहती है? प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मैं हीरोइन नहीं हूँ। आप अपने कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई हैं। प्लीज कितनी बार बताऊं, इट वाजंट मी। कॉमेडी भी बहुत अच्छी कर लेती हैं आप। हीरोइन मैं हूँ कह रही है तो मानती क्यों नहीं हो? प्लीज कूल डाउन, बैठ जाइए बैठ जाइए। हाँ तो मंजुलिका जी बताइए, ये सिनेमा सक्सेसफुल हुआ है तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। मंजुलिका जी, आप हमारे ऑडियंस से दो शब्द कहेंगे क्या? इस फिल्म को इतना सक्सेसफुल बनाने के लिए आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। मेरे अभिनय को आप लोगों ने इतना सराहा, इसलिए मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। आपके दिल में अपनी एक्टिंग से अगर मैं थोड़ी सी जगह बना पाऊँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी मंजुलिका। तो मुझसे कुछ पूछ रही थी? कुछ नहीं कुछ नहीं। ओके ओके इनफ कट।